वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बेसन बर्फ़ी। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो ये हैं। सबसे पहले हमने लिए चीनी, 225 ग्राम हमने लिया चीनी, हाफ कप हमें चाहिए दूध का, और 80 ग्राम हमने लिया है खोबरा मतलब नारियल का पाउडर हमने लिया है, और 125 ग्राम हमने लिया है घी। बेसन हमें चाहिए 100 ग्राम, और इलायची पाउडर हमने लिया 1/4 टीस्पून, मिल्क पाउडर हमने लिया 2 टेबलस्पून, और थोड़े से हमें चाहिए ड्राई फ्रूट। ये पैन हमने ले लिया, इसमें हम डालेंगे घी। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे इसकी। अब इसमें हम डाल देंगे बेसन, इसको हमने भून लेना है। फ्लेम बिल्कुल आपने मीडियम रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये जले ना। इसकी हमने भुनाई करनी है। थोड़ा सा घी मैंने और डाल दिया। जब इसकी खुशबू आने लगे बेसन की, तो समझिए आपका जो बेसन है वो बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा बस और भून लें। बेसन बिल्कुल रेडी है, इसको हमने अच्छी तरह भून लिया। अब इसको उतार लेंगे, किसी भी बर्तन में आप निकाल लें। निकाल लिया बेसन को। अब इसी में हम कोकोनट डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा बस रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्का सा। बस इसको थोड़ा सा रोस्ट करके फिर निकाल लें इसको। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, ताकि कोई भी चीज़ आपकी जले ना। इसको भी हमने रोस्ट कर लिया कोकोनट को। अब इसको भी आप निकाल लें किसी भी बर्तन में। अब फिर से हम पैन लेंगे, नारियल को मैंने निकाल दिया, किसी भी बर्तन में आप निकाल लें। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले दूध, चीनी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने ये 225 ग्राम ली है। अब ये इसकी चाशनी तैयार कर रहे हैं, एक तार की चाशनी होनी चाहिए हमारी। इसकी भी फ्लेम जो है वो मीडियम रखें, मीडियम टू लो। ये जाग बनना शुरू हो गई है,
इसको हम चेक कर लेते हैं। अभी एक किसी भी उसको थोड़ा सा ठंडा होने दे, फिर इसको चेक करते हैं। देखिए चाशनी बिल्कुल रेडी है, देखिए एक तार बन रही है इसकी। इस तरह हमारी चाशनी होनी चाहिए। अब फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसमें हर चीज़ जो हमने थे मिक्स करेंगे, बेसन। तो देखिए पहले अच्छी तरह मिक्स कर दें, कोकोनट डाल दें, इलायची पाउडर, ड्राई मिल्क, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम बंद है, चूल्हा बंद करके ही आपने सब कुछ मिक्स करना है इसमें, तो चाशनी आपकी रेडी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें ये आप बिल्कुल रेडी है। ये बेकिंग पैन हमने ले लिया, इसमें बटर पेपर लगा दिया। अब ये जो हमारी बर्फी है इसमें निकाल लेंगे। आप कोई भी पैन ले लें या कोई प्लेट वगैरह ले लें। अब इसको सेट कर दें। एक साइड पर ही ये इसको हमने अच्छी तरह सेट कर दिए इस तरीके से। आप क्योंकि मेरे पास बर्तन बड़ा है, ये सारा जो ड्राई फ्रूट है पिस्ताशियो भी आप लगा सकते हैं, और अगर आप नारियल और ऐड करना चाहते हैं तो आप 80 ग्राम की बजाय 100 ग्राम नारियल इसमें डाल सकते हैं। सारे हमने लगा दिए ड्राई फ्रूट। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। बर्फी हमारी जो है वो ठंडी हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे, कटिंग कर लेंगे। ये हमारी इजीली निकल जाएगी। पैन को साइड पे करेंगे। ये देखिए हमारी अब इसको कटिंग कर लें किसी भी शेप में। तो आप इस तरह कटिंग कर लें। हमने कटिंग कर ली है, अब इसको डिश आउट करें। कोकोनट बेसन बर्फी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे प्यारा सा कमेंट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।